देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी साहब को एक नाम तक या एक व्यक्ति तक या किसी एक राजनीतिक पार्टी तक सीमित रखते, तो ये बहुत छोटी सोच की बात हो जाती है, बहुत छोटी बात हो जाती है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर राजनीति की सुंदरता आप लोगों को देखना है, तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय को आप लोग देखिए, उनके प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उस समय को देखिए, आपको उनके कामों को आप लोग देखिए। और इसीलिए आप सभी जानते हैं कि सत्ता पक्ष के नेता हों या विपक्ष के नेता हों, सभी उनके सामने नमन करते रहते हैं, उन्हें हाथ जोड़ते रहते हैं, उनकी तारीफ करते रहते हैं। और यहां तक कहा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब की तारीफ हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने भी की हुई थी। तो आप समझ सकते हैं, मुझे लगता है कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी साहब को एक योग पुरुष कहा जाए, तो मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है। इनकी जितनी भी आप लोग तारीफ करें उतना बहुत कम है। और आप सभी जानते हैं कि 25 दिसंबर को इनकी जयंती मनाई जाती है, और 25 दिसंबर वही तारीख है जब इस भारत की भूमि पर एक महान व्यक्तित्व रखने वाली अटल बिहारी वाजपेयी साहब का जन्म हुआ था। वैसे आपको बता दूं कि इनके बायोग्राफी के बारे में हम लोग बहुत कुछ कवर कर चुके हैं, और जब हम लोगों ने अपने देश के प्रधानमंत्रियों को देख रहे थे उस समय इनके बारे में बात की हुई थी। लेकिन आज हम लोग इनके बारे में कुछ अनसुनी कहानियां हैं उन्हें भी जानेंगे, और कुछ ऐसे फैक्ट हैं, कुछ ऐसे तथ्य हैं जिन्हें मुझे लगता है कि आपको जानने की दिलचस्पी भी रहती होगी। पहले इनकी कुछ पिक्चर्स हैं, उन्हें देख लीजिए आप लोग, फिर हम लोग इनके बारे में आगे बात करते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर आप लोगों को एक फोटो दिख रही होगी, और इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ खाते दिखाई दे रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब। और इसके बाद आप देखें, इस भीड़ को भी आप लोग देख रहे होंगे, और आपको एक साफ बात बता देता हूँ, एक कोई भीड़ खरीदी हुई भीड़ नहीं है, जो आजकल आप लोग नेताओं को देखते हैं कि पैसे से बुलाई हुई भीड़ को भाषण देते हैं। ऐसा माना जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जहां भी जाते थे, जहां भी बैठक करते थे, जहां भी सभा को संबोधित करते थे, वहां कई किलोमीटर से लोग पैदल चल के अटल बिहारी वाजपेयी साहब को देखते हैं या सुनने आते थे। समझ रहे हैं आप लोग? इसीलिए आप देख रहे हैं कि ये भीड़ आप लोगों को अलग ही दिख रही होगी। यहां देखिए आप लोग, और आप देखिए, आज अगर आप कहें कि बीजेपी पार्टी की ऊंचाइयों को अगर आप लोग देखें, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान किसी का रहा है, तो वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब को रहा है। ये भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं, वर्तमान प्रधानमंत्री। और यहाँ भी आप देखिए, ये प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं और ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब बैठे हुए हैं। देखिए, बचपन की फोटो है अटल बिहारी वाजपेयी साहब की, और इस फोटो को भी आपको देख रहे होंगे, जीवन किस तरह से बदलता रहता है, हमारी उम्र ढलती रहती है। और यहां भी आप देखिए, ये बाल ठाकरे हैं, ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी साहब, जो प्रधान, जो आप सोचिए कि इस राजनीतिक पार्टी बीजेपी को बहुत आगे तक इन्हीं लोगों की एक तरह से खून से सींची हुई, आप लोग कहें तो मुझे लगता है कि कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए। आपको बता दूं कि देखिए, उस समय जब इनका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था, ये उस समय की फोटो है, अंतिम समय की, लास्ट समय की, ठीक है। अगर हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी साहब के जन्म की बात करें, तो आपको बता देता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और हमारे देश की विडंबना कह लीजिए आप लोग, जब भी हम लोग किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो उसकी जाति पहले देखी जाती है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कुछ ऐसा नहीं, जातिवादी शब्द कभी नहीं बोले किसी के लिए, और ना जातिवादी कुछ इस तरह के भाषण दिए, ना किसी का भेद किया, ना किसी का पक्ष लिया इस तरह का, ठीक है। उनके पिता की बात करें तो कृष्ण बिहारी वाजपेयी, और माता की बात करें तो कृष्णा देवी था। और अटल जी के दादा की बात करें तो पंडित श्याम लाल वाजपेयी उत्तर प्रदेश के बटेश्वर से मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जाकर बस गए थे। तो अगर हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी के पूर्वजों की बात करें तो वो उत्तर प्रदेश से थे। अटल बिहारी वाजपेयी के पिता कवि और स्कूल मास्टर थे, और आप सभी जानते हैं कि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब पूर्व प्रधानमंत्री ए भी कवि थे,
और इनकी कविताएं आप देखिए दुनिया भर में धूम मचाती रहती हैं, अभी भी लोग पढ़ते हैं। वाजपेयी की पढ़ाई सरस्वती शिशु मंदिर और ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में होती है, और कहा जाता है कि हिंदी अंग्रेजी संस्कृत में 75% से ज्यादा अंक वो हमेशा लाते थे, तो आप कह सकते हैं कि वो पढ़ने में कमजोर नहीं थे। ठीक है, और पिता के साथ अटल जी ने की थी लॉ की पढ़ाई, कानून की पढ़ाई, और मुझे लगता है कि दुनिया में पहला एक ऐसा उदाहरण है जो अपने पिता के साथ पढ़ता है, एक ही क्लास में पढ़ता है, एक ही कानून की डिग्री आप वो करते हैं, और एक ही हॉस्टल में रहकर वो कुछ समय के लिए पढ़ाई करते हैं। आपको जानकर ये हैरानी भी होगी कि अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने पिता के साथ लॉ की पढ़ाई की थी, और उन्होंने कानपुर के डीएवी कॉलेज में से लॉ में डिग्री की इच्छा में अपने पिता से जिताई थी, और जिसके बाद उनके पिता ने भी अपने बेटे के साथ लॉ की डिग्री के लिए एडमिशन लिया था, और लॉ छात्र के रूप में पिता पुत्र एक साथ एक सत्र के दौरान एक ही हॉस्टल के एक कमरे में रहे थे। मुझे लगता है कि दूसरा ऐसा उदाहरण अगर आप लोगों को मालूम हो कहीं दुनिया के कहीं भी किसी भी कोने का, तो आप लोग मुझे नीचे बताइएगा। ठीक है, और आपको बता दूं कि शादी आप सभी जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने शादी नहीं की थी। कहते हैं कि इनकी शादी की जब चर्चा चल रही थी तो 3 दिन तक ये लापता रहे थे, 3 दिन तक ये छुपे रहे थे। स्वर्गीय आचार्य गोरेलाल त्रिपाठी के पुत्र विजय प्रकाश त्रिपाठी बताते हैं कि 1944 से 1948 के बीच अटल जी की शादी की चर्चा उनके घर पर चली, और वह देश सेवा को जीवन का उद्देश्य बना चुके थे पहले से ही, और शादी करना ही नहीं चाहते थे, और इसलिए वह भागकर हमारे गांव रायपुर आ गए और 3 दिन तक यहाँ छिपे रहे, और डर की वजह से मकान से नीचे तक नहीं उतरते थे। और त्रिपाठी जी बताते हैं कि अटल जी संबंधों को निभाने वाले योग पुरुष थे, और विजय त्रिपाठी बताते हैं कि पिता का 10 जुलाई 1989 को इनका निधन होने के बाद दिसंबर में जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब से मिलने लखनऊ गए तो उस वक्त वह नेता विपक्ष हुआ करते थे, और उन्हें पिता का परिचय देते हुए नौकरी मांगी तो वह बड़ी सहजता से बोले, बेटा नौकरी तो नहीं दे सकता लेकिन तुम्हारी जीविका उपार्जन का इंतजाम कर सकता है, यानी कि तुम्हारे जो खर्च हो उसके लिए कुछ व्यवस्था हम कर सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शिव कुमार अस्थाना से बुलाकर कहा कि बच्चे को सहयोगी बनाया और इसके अनुरूप कुछ काम इन्हें सौंपे, और ऐसा कहा जाता है कि अटल जी ने एमएलसी बनाने की पेशकश की थी इन्हें, और जिसे सम्मानपूर्वक इन्होंने इनकार कर दिया था। तो संबंधों को निभाना अगर आपको सीखना है तो अटल बिहारी वाजपेयी से सीखिए कि जब आपके बुरे वक्त में कोई आपके साथ खड़ा रहता है तो आपका भी कर्तव्य बन जाता है कि उसके साथ आप भी खड़े रहिए। और राजनीति के में अगर हम लोग अटल की बात करें कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब राजनीति में आखिर किस तरह से इन्होंने कदम रखा, तो अटल बिहारी वाजपेयी जब युवा हुआ करते थे तब उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज बुलंद की थी, और आप सभी जानते हैं कि जब हमारे देश में अटल बिहारी वाजपेयी साहब का जन्म होता है और उनका जब बचपन आता है उस समय हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, और ये बात है अगस्त 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जा रहा था तो अटल जी 23 दिनों के लिए जेल भी गए थे, और आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा तो आपको मालूम भी होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कई बड़े बड़े नेताओं को उठाकर जेल में डाल दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो उनमें से एक अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी थे, और यहीं से उनकी राजनीतिक पारी की आगाज होती है। और 1942 से लेकर 1945 तक अटल जी लगातार भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े रहते हैं, और 1950 में वाजपेयी लॉ स्कूल से निकलने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की मैगजीन से जुड़ जाते हैं, और उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्यता ली थी, और आज आप लोग वर्तमान के प्रधानमंत्री को देखिए या राष्ट्रपति साहब को देखिए, ये सभी आप देखिए आरएसएस से जुड़े रहे हैं पहले। ठीक है, आप देखेंगे तो 1968 में चुने गए थे जनसंघ के अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी, 1951 में अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनसंघ से जुड़ते हैं, और अपने खास अंदाज और नेतृत्व क्षमता की वजह से जल्द ही अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनसंघ का चेहरा बन जाते हैं, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जब मौत होती है, मृत्यु होती है, तो उसके बाद जनसंघ की जिम्मेदारी अटल बिहारी वाजपेयी के युवा कंधों पर आ जाती है, और 1968 में वे इसके अध्यक्ष बन जाते हैं जनसंघ के। और अटल बिहारी वाजपेयी श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बेहद करीबी भी रहे हैं।
कौन? अटल बिहारी वाजपेयी साहब। आप देखिए कि जब पंडित नेहरू ने वाजपेयी से कहा था कि एक दिन प्रधानमंत्री बनोगे, और ये भविष्यवाणी पंडित जवाहरलाल नेहरू की सही साबित हुई है आगे चल के। जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऐसा माना जाता है कि पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी एक बार अटल बिहारी वाजपेयी से कहा था कि वो एक दिन देश के प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे, और पंडित नेहरू की बात सच साबित हुई और अटल बिहारी वाजपेयी ने देश की सत्ता संभाली। अटल बिहारी वाजपेयी की शख्सियत भी कुछ ऐसी ही थी कि विरोधी भी उनके मित्र बन जाते थे, उनकी तारीफ करने लगते थे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी राज्यसभा में एक भाषण के दौरान वाजपेयी को भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह करार दिया था। आप लोगों ने महाभारत देखी होगी तो भीष्म पितामह के बारे में आप लोग जानते भी होंगे। 1957 में जीता था पहला लोकसभा चुनाव। आप सभी जानते हैं कि अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो लोकसभा या राज्यसभा में आपको सदस्य जरूर बनना होता है। तो आपको बता दूं कि जो लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा सदस्य का, ये डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। और अगर आप लोगों की एज 18 साल हो चुकी होगी तो मतदाता सूची में आपका नाम भी जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और अगर आप लोगों को लोकसभा सदस्य बनना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल जरूर होनी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने 1957 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा और वो जीते भी। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1957 से लेकर सन 2009 के बीच लगातार अटल जी संसद के सदस्य रहे। कभी अगर लोकसभा चुनाव हार गए तो वो राज्यसभा के जरिए सदन के सदस्य जरूर रहे हैं। और अटल जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने गैर कांग्रेसी सरकार का नेतृत्व करते हुए 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। और उन्होंने 1958 से लेकर 2004 के बीच कार्यभार संभाला था। और इस समय आप सभी जानते हैं कि 13 पार्टियों के गठबंधन की सरकार रही थी और सभी को साथ लेकर अटल जी 5 साल तक काम करते रहे। और 1996 में पहली बार बने थे प्रधानमंत्री, आप सभी जानते हैं। करीब 4 दशक तक विपक्ष में रहने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार 1996 में देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। हालांकि आप सभी जानते हैं कि ये इनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल 13 दिन तक ही रहता है। और जब बहुमत साबित करने की बात आती है तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं और उनकी सरकार गिर जाती है। तो पहली बार जब वे प्रधानमंत्री बने तो मात्र 13 दिन तक प्रधानमंत्री रहे थे, सबसे छोटा समय काल रहा इनका। फिर आप देखेंगे 1998 में वो एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन इस बार भी उनकी सरकार बहुमत के अभाव में 13 महीने के भीतर ही गिर जाती है। तो पहली बार 13 दिन के लिए, फिर दूसरी बार 13 महीने के लिए वो प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर आप सभी देखेंगे कि 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी एक बार फिर प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, और इस बार बीजेपी के नेतृत्व में बनी गठबंधन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में कई क्षेत्रीय दल शामिल होते हैं। और ये पहली बार था कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन ने पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। तो इस समय अटल बिहारी वाजपेयी पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा करते हैं। आप सभी जानते हैं कि वाजपेयी साहब ने संयुक्त राष्ट्र के सत्र में हिंदी में भाषण भी दिया था। और ये क्वेश्चंस आपकी सरकारी एग्जाम की जो भी तैयारी करते होंगे आप लोग, और आपने पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखे होंगे अपनी परीक्षाओं के, तो ये क्वेश्चंस कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अटल बिहारी वाजपेयी 1977 में जनता पार्टी की सरकार में विदेश मंत्री बनाए गए थे। और आप सभी जानते हैं कि 1975 से लेकर 77 तक हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी इस समय। 1977 में जो चुनाव होते हैं उसमें आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपनी सीट हार जाती हैं, कांग्रेस बुरी तरह से चुनाव हार जाती है, ठीक है, और जनता पार्टी की सरकार बनती है। और उस समय उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के एक सत्र में हिंदी में अपना भाषण दिया था। और इतना ही नहीं, वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री भी थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देने का फैसला किया था। तो ये भी आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। और आपने पोखरण में परमाणु परीक्षण के बारे में भी सुना होगा, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने पोखरण में परमाणु परीक्षण को भी दी थी हरी झंडी। अपनी खास भाषण शैली, कविताओं के साथ साथ मनमोहक मुस्कान के लिए पहचाने जाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी कड़े फैसले लेने के लिए भी विख्यात थे। और इनका सबसे बड़ा उदाहरण अगर आपको देखना है तो 1998 में उस समय देखने को मिला जब उन्होंने केंद्र की सत्ता संभालते ही एक ऐसा फैसला लिया जिसने देश की पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था।
और अटल बिहारी वाजपेयी ने पीएम रहने के दौरान न केवल परमाणु परीक्षण को हरी झंडी दी बल्कि इसे सफल बनाकर भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाने में अहम रोल भी निभाया था। और इसीलिए आप देखते हैं कि हमारे पड़ोसी हमसे डरते भी हैं कि हमारे भी पास भी अब हथियार हो चुका है परमाणु, अगर आप भी छोड़ोगे तो हम भी बाद में छोड़ेंगे। अब बात आती है कानपुर से ही राजनीति इन्होंने की उनकी इंट्री, तो डीवी कॉलेज में पढ़े वाजपेयी सियासत की उभरती शख्सियत तो अपनी काबिलियत से पहले ही बन गए थे, लेकिन राजनीतिक जीवन की पहली सबसे बड़ी कुर्सी उन्हें कानपुर ने ही दिलाई थी। उत्तर प्रदेश का एक शहर है कानपुर, और यहीं पर वह पहली बार जनसंघ के अध्यक्ष बनते हैं और 1973 में विजेंद्र स्वरूप पार्क में खुला अधिवेशन और पास स्थित आर्य नगर इंटर कॉलेज में कार्यकारिणी की बैठक हुई, और जिसमें विवाद के चलते बलराज माधोक ने संगठन छोड़ा और अटल जी को अध्यक्ष के रूप में संगठन की कमान सौंपी गई। और इसके बाद 1977 में जब पहली बार केंद्र में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी के रूप में गैर कांग्रेसी सरकार बनती है तो जनसंघ भी उसमें शामिल होता है और अटल बिहारी वाजपेयी साहब विदेश मंत्री बनाए जाते हैं। बाद में दोहरी निष्ठा के सवाल पर पूर्व जनसंघ के लोग सरकार से अलग हो गए और 1980 में मुंबई में भाजपा की स्थापना होती है, और इस बार फिर अटल बिहारी वाजपेयी को ही अध्यक्ष बनाया गया था। तो आज जो बीजेपी आप लोग देखते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी, ये 1980 में बनी थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और अटल जी के छूते थे पैर, कौन कौन छूते थे? वैसे आप लोगों को एक तो बात मालूम है कि अभी जो भी वर्तमान में जो भी राजनेता आप अपने देश में देखते हैं ना, सब अटल जी का सम्मान करते हैं, अटल जी की तारीफ करते हैं। डीएवी कॉलेज में राजनीति शास्त्र के शिक्षक रहे स्वर्गीय डॉक्टर मदन मोहन पांडे ने से अटल जी का गहरा लगाव था, और अक्सर वह गुरु के कानपुर पीरोड स्थित आवास पर पहुंच जाते थे और वहां घर के बाहर चबूतरे पर पढ़ाई करते थे, और गुरु के घर पहुंचने के बाद वह बड़ी ही शालीनता से गुरु माता शारदा पांडे के चरण छूते और फिर उनकी चटाई मांगकर चबूतरे पर बिछाते थे, और गुरु जी की अलमारी से किताब निकालने से पहले वे गुरु माता की आज्ञा भी लेते थे और तब तक पढ़ाई करते थे जब तक कि गुरु जी आ नहीं जाते थे। और स्वर्गीय पांडे के पुत्र सेवानिवृत्त शिक्षक के पांडे ने बताया कि माता जी बताती थी कि जैसे ही पिताजी आते थे तो अटल जी दौड़कर उनके चरण छूते थे, फिर उनके साथ ही बैठते और अपनी जिज्ञासा को शांत करते थे, और पिताजी कहते थे कि अटल तुम बहुत आगे जाओगे। और वो कहते हैं ना, हमारे भारत में ये कहावत है कि लालन के लक्षण गुण पलने में ही दिखने लगते हैं, यानी कि बचपन से ही लोग इतना जानने, अगर जो पहचानने वाले होते हैं वो पहचान जाते हैं कि आप कहाँ तक जाओगे, आपका व्यवहार किस तरह का है, आपके कर्म किस तरह के हैं। और आप सभी जानते हैं कि कविताओं से काफ़ी गहरा लगाव था अटल बिहारी वाजपेयी साहब का। बापजी यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी को कविताओं से गहरा लगाव था। एक बात और बता दूं आपको, अटल बिहारी वाजपेयी साहब का एक और नाम था बापजी, कहते थे इन्हें अपने लोग, करीबी लोग, ठीक है। और कई बार उन्होंने अपने विचारों को कविताओं के माध्यम से ही सबके सामने रखा, और उनका कहना था कि कविता उनके लिए जंग में हार नहीं बल्कि जीत की घोषणा की तरह है। और वाजपेयी की कुदरत से भी काफी लगाव था, उन्हें पहाड़ पर छुट्टी बिताना काफी अच्छा लगता था और हिमालय पर मनाली उनकी पसंदीदा जगहों में एक था। दिसंबर 2005 में अटल जी ने सक्रिय राजनीति से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। और एक इनकी पहली कविता जान लीजिए और लास्ट में इनके, आप सभी जानते हैं कब इनकी डेथ हुई, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। एक फेमस कविता है इनकी, बहुत पॉपुलर कविता है, मौत से ठन गई मौत से ठन गई, जूझने का मेरा इरादा ना था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा ना था, रास्ता रोक कर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई, मौत की उम्र क्या है दो पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आजकल की नहीं, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं, तू दबे पाओ चोरी छिपे से ना आ, सामने बार कर फिर मुझे अजमा, मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पराए कुछ कम ही नहीं, और प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला, हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए, आज झकझोरता तेज तूफान है,
नाव भंवरों की बाहों में मेहमान है, पार पाने का कायम मगर हौसला, देख तेवर तूफान का त्योरी तन गई और मौत से ठन गई। तो ये रही है इनकी काफी चर्चित कविता अटल बिहारी वाजपेयी साहब की। और इनकी मौत की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि 16 अगस्त 2018 की बात है कि एक लंबी बीमारी के बाद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में ये इन्हें भर्ती कराया जाता है और यही अंतिम सांस लेते हैं 16 अगस्त को। ठीक है, तो ये कुछ अटल बिहारी वाजपेयी साहब के बारे में रोचक जानकारियां थी और मुझे लगता है कि इनके बारे में आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और ऐसा ना तो कोई हुआ है और ना ही ऐसा कोई दोबारा मुझे लगता है भारत की इस धरती पर होगा अटल जी जैसा। अटल जी एक आपके ये मुझे लगता है कि कभी कभी ये मुझे लगने लगता है कि हम लोग नहीं किसी एक राजनीतिक पार्टी से इन्हें जोड़ें, एक व्यक्ति से जोड़ें, एक नाम से जोड़ें, ये इनके साथ नाइंसाफी होगी। मुझे तो लगता है एक योग था जो अब बीत चुका है, जो खत्म हो चुका है। जिस तरह से आप गांधी योग के बारे में पढ़ते हैं ना, गांधी के समय को पढ़ते हैं ना, उसी तरह आप लोग अटल बिहारी वाजपेयी को भी समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। चलिए आप लोग एंजॉय करते रहिए, हम तो मिलते ही रहेंगे, हम कहाँ जाने वाले हैं।